इस वीडियो में देखेंगे राउंडिंग। राउंडिंग क्या है, जब फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर को जब हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर को पहले नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नंबर को नॉर्मलाइज करने के लिए दो रूल है, पहला है चॉपिंग, दूसरा है राउंडिंग। चॉपिंग पिछले वीडियो में बताए हैं, नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, देख सकते हैं। दूसरा है राउंडिंग, तो राउंडिंग के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो हमको पता है जब कोई भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मेंटीसा चार डिजिट में लिखते हैं 8 बिट के लिए। जैसे कि दिया हुआ है मेरा मेंटीसा D1, D2, D3, D4, D5, D6, ये मेरा मेंटीसा है। तो राउंडिंग में क्या करते हैं कि अगर मेरा D5 छोटा और बराबर हो 4 के, चॉपिंग मेथड से इसको नॉर्मलाइज करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम बताएं। लेकिन अगर ये केस नहीं होता है, अगर मेरा D5 बड़ा और बराबर होता है 5 के, तब हम राउंडिंग का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है तो हम राउंडिंग से उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे और उसका एरर कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इसको हमको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है राउंडिंग रूल से। तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करके लिख देते हैं 0.45876, 2 डिजिट राइट शिफ्ट किए हैं 10^-2, राइट शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट माइनस में होता है, ये नॉर्मलाइज हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा D5 मेरा 6 है, यहाँ पे मेरा देखते हैं D5 बड़ा और बराबर है 5 से, ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे हम राउंडिंग का यूज करेंगे। तो राउंडिंग का यूज करने में हम क्या करते हैं, अगर ये सिचुएशन होता है तो D4 में 1 ऐड कर देते हैं। तो राउंडिंग से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइज करने के लिए तो -0.4587, तो उसको 8 कर देंगे (10^-2). इसको अगर रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट में तो लिख देंगे, पहला मेरा होता है साइन बिट मेंटीसा के लिए, तो माइनस मेंटीसा 4 डिजिट का 4588, एक्सपोनेंट का साइन बिट -2, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अब एरर फाइंड करना, इस नॉर्मलाइज किए तो कुछ तो एरर आया क्योंकि पूरा डिजिट तो हम लिखे नहीं है, तो एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरर फाइंड करने के लिए मोड ऑफ जो भी मेरा है फर्स्ट जो नॉर्मलाइज करके लिखे थे उसमें से जो राउंडिंग का करके नॉर्मलाइज किए उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो -0.45876 × 10^-2, इसमें से हमको इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे -0.4588 × 10^-2। मॉड है, मॉड का मतलब इसमें से अगर माइनस भी होता है तो बाहर आएगा तो वो प्लस में रिजल्ट आएगा, इसको छोड़ देते हैं -0.45876 × 10^-2, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 0.4588, ये मेरा 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, इसको 5 डिजिट कर देते हैं, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा 0.0000, ये 4, 6, 10, 04 × 10^-2। 5 प्लेस राइट शिफ्ट कर देते हैं तो 4 × 10^-2 था, 5 प्लेस शिफ्ट किए राइट शिफ्ट करने पर एक्सपोनेंट माइनस में होता है 4 × 10^-7, ये मेरा एरर हो गया राउंडिंग एरर।